ओके, सो आई वांट एवरीबॉडी टू कीप योर वीडियोस ऑन. आई वांट टू सी कि आप लोग कैसे करते हैं इसको. जो भी यहाँ पर आज मौजूद है, ओके, उज्जयी प्राणायाम का मतलब क्या होता है? उज्जयी प्राणायाम इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल प्राणायाम, क्योंकि इट एक्चुअली इज इन अ फॉर्म, मतलब वो कहते हैं ना विक्ट्री प्राणायाम बोलते हैं इसे, काफी जन इसे विक्ट्री प्राणायाम बोलते हैं. उज्जयी, ओके, मतलब विजय होना. हाँ, तो वो उज्जयी प्राणायाम होता है, यानी कि विजय पाना. ओके, तो विजय पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस प्राणायाम को, यानी कि इट इज एन ओवरऑल हेल्थ एनहेंसिंग प्राणायाम. ठीक है, ओवरऑल आपको ज्यादा शक्ति, ज्यादा ऊर्जा देने वाला प्राणायाम होता है उज्जयी प्राणायाम. ओके, तो इसीलिए उज्जयी प्राणायाम बहुत ही खास प्राणायाम होता है और बहुत बहुत गुणकारी होता है हम सबके लिए. तो इसलिए उज्जयी प्राणायाम सबको रोज करना चाहिए. ओके, सबसे खास बात ऑल्सो उज्जयी प्राणायाम की ये है कि उज्जयी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आप कभी भी कर सकते हो. उज्जयी प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जो आप, ऐसा नहीं है कि आपको पेट खाली रखना है या इसी समय करना चाहिए, ऐसा नहीं है. आप उज्जयी प्राणायाम कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो. आप बैठे बैठे टीवी देख रहे हो तो आप उज्जयी प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हो. आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो रास्ते में आप उज्जयी प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हो. सो उज्जयी प्राणायाम कहीं पर भी हम कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, अच्छा, उज्जयी प्राणायाम तीसरा ये खास और क्यों है? वो इसीलिए है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप बहुत थक गए हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं आपको ऐसा लगता है कि मेरी ऊर्जा कम हो गई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अचानक से आपका या तो जैसे बीपी फ्लक्चुएट हो गया है, या आपको हिम्मत नहीं आ रही है, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप 5 मिनट के लिए उज्जयी प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं वहीं पर. ठंडी लगे तो अपने हाँ जी, को ठंड लगती है ना, तो ठंड के लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा है. क्यों? क्योंकि उज्जयी प्राणायाम शरीर में गर्माहट देती है. वाह। ओके, तो इसलिए जिन्हें बहुत ज्यादा शरीर में गर्मी होती है या पित्त होता है, उन्हें उज्जयी प्राणायाम थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि उज्जयी प्राणायाम से अपने शरीर की गर्माहट बढ़ती है. बढ़ती है। ओके, तो गर्माहट मतलब क्या? इट बेसिकली गिव्स यू स्ट्रेंथ. उज्जयी प्राणायाम आपको ताकत देता है. आपकी शरीर की जो वॉर्म्थ है, यानी कि स्वेटिंग भी होती है अगर आप अच्छे से करोगे, दैट इज व्हाट आई मीन. ओके, सो उज्जयी प्राणायाम इसमें बहुत ताकत होती है, आपको जरूर करनी चाहिए. उज्जयी प्राणायाम अपने थायराइड ग्लैंड के लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी प्राणायाम है. उज्जयी प्राणायाम, अगर कोई ऐसे हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, स्टैमर करते हैं, ओके, उनके लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा है. जिनको बीपी की तकलीफ होती है, अप एंड डाउन कभी कभी फ्लक्चुएशन होते हैं, उनके लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा है. अच्छा, और किस चीज के लिए? आपको ऐसा लगता है आपका विशुद्धि अटका है, जिनको खांसी होती रहती है, गले की खराश होती है, उनके लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा है. जिन्हें अस्थमा की तकलीफ है, उन्हें मैं कहूंगी कि उज्जयी प्राणायाम लिमिट में करिए, धीरे धीरे शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए, फिर आपको ऐसा लगे कि अब आप उसको हैंडल कर सकते हो तो आप उसको बढ़ाइए. अस्थमा में वैसे भी हर प्राणायाम आपको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, जितना आपसे होता है, उसके बाद उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं हम, खासकर अस्थमा के लिए, या जिन्हें हार्ट की तकलीफ है, उन्हें हमेशा हर चीज थोड़े में करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए. ओके, तो उज्जयी प्राणायाम ये बहुत अच्छा होता है. जिनको अपने आपके बच्चे हैं,
उन्हें आपकी आवाज अच्छी बनानी है, जो गाना गाते हैं उनको अपनी आवाज और अच्छी बनानी है, तो उज्जयी प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो ये सारी उज्जयी प्राणायाम की बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन क्योंकि आज थायराइड पे हम ध्यान दे रहे थे, तो मैं कहूंगी कि उज्जयी प्राणायाम इज एक्सलेंट प्राणायाम ऑफ अ थायराइड ग्लैंड, ओके, टू बैलेंस थायराइड ग्लैंड। अब उज्जयी प्राणायाम अगर आपको प्रैक्टिस करना शुरू करना है, तो हम कैसे शुरू करेंगे? ओके, शुरू करने के लिए अगर आपको समझना है कि मैं कैसे शुरू करूं, तो आप मुंह खोल के सांस लीजिए अभी, ठीक है? मुंह खोल के सांस लेंगे, कैसे? सिर्फ मुंह से सांस लेंगे, नाक को भूल जाइए, मुंह से सांस लीजिए और मुंह से सांस छोड़िए। फर्क सिर्फ इतना है, फास नहीं लेना, ऐसे नहीं, लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस छोड़नी। तो ये लंबी लंबी अगर हमें करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे करना पड़ेगा। सो धीरे धीरे लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे लंबी सांस छोड़ेंगे, मुंह से करेंगे लेकिन उसे। अच्छा, इसके लिए मुद्रा कौन सी होगी? ज्ञान मुद्रा हो सकता है, चिन्ह मुद्रा हो सकती है, प्राण मुद्रा हो सकती है, ध्यान मुद्रा हो सकती है, ठीक है? बैठेंगे कैसे? वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। ये सारे आपको अब आते हैं, ओके, सभी को। नहीं आते हैं तो प्लीज आप बता सकते हैं मुझे कि मुझे ये वाला नहीं आता है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो इनमें आप कोई भी आसन में बैठ सकते हैं। तो हम अभी प्रैक्टिस शुरू करने के लिए कैसे करेंगे? मुंह से सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे, ओके? जितनी लंबी ले सकते हैं लीजिए, जितनी लंबी छोड़ सकते हैं छोड़िए। ध्यान में रखिए, सांस कहाँ से हो रही है? मुंह से और पेट से, छाती से नहीं, पेट से सांस लेनी है। और पेट से सांस छोड़नी है। मुंह खुला रख के, ऐसे ऐसे नहीं लेना, ऐसे नहीं, मुंह सिर्फ खुला रखना है। ये सबको जम रहा है? मुंह से सांस ले रहे हो, मुंह से सांस छोड़ रहे हो, अब आप ये सोचिए, अब आप यही चीज, सेम चीज जो आपने अभी की, मुंह जो खुला था, हाँ, आपको क्या करना है? सिर्फ मुंह बंद रखना है, मुंह बंद कर लो। अगर मुंह बंद कर लोगे तो सांस कहां से आने लगेगी? गले से, नाक नहीं इस्तेमाल करना है। अगर आपने मुंह बंद कर लिया और आप सांस लोगे, तो कहां से सांस आ रही है? अब गले से। तो हमें कहां से सांस लेनी है? गले से। और गले से सांस छोड़नी है। गले से सांस लेनी है, गले से सांस छोड़नी है, और वो सांस कहां से आ रही है? पेट से। ओके, इसमें कई बार लोग क्या गलती करते हैं? गलती ये होती है कि हमें लगता है जब गले से सांस ले रहे हैं तो आवाज बहुत ऊंची होनी चाहिए, इतनी आवाज निकालते हैं कि अब आजू बाजू सब कुछ सुनाई देता है। ऐसा होता है किसी के साथ? जब उज्जयी प्राणायाम गले से कर रहे हो, ध्यान रखिए कि वो सांस सिर्फ आपके साथ होनी चाहिए,
ज्यादा से ज्यादा इतनी, वो सांस की आवाज फैलनी नहीं चाहिए, क्योंकि उज्जयी प्राणायाम मतलब अपनी सांसों पर विक्ट्री, अपने प्राणों पर विक्ट्री। वी हैव टू ओनली लिसन टू दैट ब्रेथ। सिर्फ मैं सुन पाऊं वैसी सांस होनी चाहिए वो, और वो सांस कहां से आ रही है? गले से। सो हम कैसे कर रहे हैं? गले से सांस ले रहे हैं और फिर गले से सांस छोड़ रहे हैं, और वो सांस लंबी सांस ले रहे हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे लंबी सांस छोड़ रहे हैं। कोई इसमें किसी को कोई शंका? और अगर आपको अभी के लिए नहीं समझ में आ रहा, आप क्या करिए, ऐसे गले पे टच कीजिए और फिर लीजिए और फिर देखिए। हमको अपनी एपिग्लोटिस को थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करना है ना, किसके लिए? ये जय के लिए हाँ यहाँ पर कंस्ट्रिक्ट करना है ना, ताकि सांस जो जाए वो हाँ थोड़ी सी करके जाए और आवाज भी आए। तो आपको वो, आप जब सांस ले रहे हैं तो वो थोड़ी सी एक अपने आप क्या कर रहे हो, एक फोर्स दे रहे हो। वो फोर्स कैसी है? सपोज आप ऐसे गाड़ी चला रहे हो, ओके, और या तो आप सपोज आपका खाना जाता है या पानी जाता है। अब उज्जयी प्राणायाम जब हम करते हैं तो इसमें फर्क ये है कि पानी ऐसे जाने के बदले हम क्या कर रहे हैं, पानी को ऐसे भेज रहे हैं, ऐसे। हम क्या कर रहे हैं? हम सांस ऐसे नाक से नहीं ले रहे, ऐसे नहीं ले रहे, हम क्या कर रहे हैं? Yes, I thought as much. तो वो आपकी नली को टच करते हुए जा रही है, आपकी जो विंड पाइप है उसको। पर हम लोग आवाज निकालते हैं, करेक्ट, हम लोग आवाज निकालते हैं। आवाज तो निकलेगी ही, लेकिन वो आवाज इतनी जोर की आवाज नहीं होनी चाहिए, एकदम हल्की निकालनी है। और वो हल्की कैसे निकलेगी? जब आप धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। बहुत ज्यादा फोर्स से करेंगे ना, बहुत ज्यादा, और वो इतना ऐसे ऐसे रिस्ट्रेन नहीं करना है, आराम से। ओके, सो एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए सबसे हो रहा है क्या? हो पाया सबसे? Is there a cooling sensation while inhaling? Yes, yes. Your body will give you your signs. And if you do it in the day, it will be a warm sensation. When you're doing it as the evening goes, you will have a cooler sensation. Okay? Yes. उर्मिला जी, इस बार हुआ आपसे कि नहीं हुआ? हुआ 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 हुआ, पर हाँ, आपकी हुआ। सांस जो आप ले रहे थे, जितना मैंने सुना, वो बहुत छोटी छोटी सांस है, उसको अच्छा धीरे कीजिए और थोड़ी लंबी रखिए। ठीक है।
ओके अब मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को है ना मेरी आवाज सुनाई दे वो सांस, ओके होपफुली आपको सुनाई देगी। कैसे होगा देखो, आवाज नहीं आ रही उसकी, वो मेरे को नहीं आदत हो गई है। ओके बट बेसिकली लंबी होनी चाहिए, ओके जितना हो सके ना उसको आप लंबा खींचिए, जितना हो सके उसको लंबा छोड़िए। मैं करके दिखाऊं। हाँ जी आवाज आई आपको? नहीं, नहीं आई आवाज। चलिए अच्छा है, आवाज नहीं आई तो बहुत अच्छा है। ओके पर आपको महसूस हो रहा है आपके गले में? हाँ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, सो दैट फ्रिक्शन शुड बी देयर इन योर थ्रोट। ओके किसी किसी को खांसी भी आ सकती है, इट इज अ गुड साइन। ठीक है हाँ उर्मिला जी, अभी तक मुझे यहां तक आवाज आ रही है आपकी, और कम करने पर आप प्रैक्टिस करते रहिए और उसको लंबी सांस लीजिए, लंबी छोड़िए। आप आवाज का कोई चिंता नहीं है, आप उसको जितना प्रैक्टिस करेंगी वो धीरे धीरे हो जाएगा। हम लोग आप तो जानबूझ के ज्यादा आवाज निकालते थे, जानबूझ के जोर से आवाज निकालते थे, कि हमको लगता था जितनी जोर की आवाज निकलेगी उतना अच्छा है। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक है जो सबको लगता है कि आवाज होनी चाहिए और सबको सुनना चाहिए। आपने कभी भी कोई योगी को जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो समझ में भी आता है कि वो कौन सा प्राणायाम कर रहे हैं, सुनाई भी देता है? नहीं, सिर्फ अपने आप में होनी चाहिए अपनी प्रैक्टिस। ओके इसे इसलिए इसलिए कहते हैं बाहरी और अंदरूनी। ठीक है सो ये जो हमारी प्रैक्टिस होती है एज योगीज, इट शुड बी ओनली अंदर, इनसाइड, नॉट बाहरी। So, can we do this practice while doing any asana? व्हाइल डूइंग एनी आसन, ओके सो अगर आप बैठ नहीं पाते हैं, ओके बैठ नहीं पाते हैं तो आप मकर आसन जो होता है ना इस तरह से, उसमें आप लेट के ये प्राणायाम कर सकते हो। ओके फिर जो फिश पोज है उसमें भी आप जब जाते हो तो आप ये ब्रीदिंग कर सकते हो। फिश पोज एवरीबडी नोस, मत्स्यासन। When the head is down, right? मत्स्यासन। ओके आई थिंक वी विल हैव अ स्पेशल क्लास फॉर दिस वेयर आई विल शो यू ऑल ऑफ दीज आसनास देन, Which we ओके can do विच वी कैन डू। with this pranayam. यस Okay. मत्स्यासन है, फिर मकर आसन है, ये आप उज्जयी प्राणायाम कर सकते हो। सिंह आसन है, सिंहासन में भी हम करते हैं ये। स्टैंडिंग कपालभाति जो होती है, ओके कपालभाति दो तरह से होती है, सिटिंग एंड स्टैंडिंग। सो जो स्टैंडिंग कपालभाति होती है उसमें भी हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं। ओके सो लाइक स्टैंड वाइल डूइंग सूर्य नमस्कार और समथिंग, समबडी वाज सेइंग यू डू योर ब्रीदिंग लाइक दिस उज्जयी उज्जयी। यू कैन सो डू, इज इट टू बी डन और नॉट डन? नो यू कैन डू इट, इफ यू कैन मैनेज यू कैन डेफिनेटली डू इट। ओके, इन इट ऑल वोंट द हार्म। सूर्य नमस्कार प्रोपोजेज आई फील यस यू कैन डू इट। ठीक है, बिकॉज The teacher was telling me that सूर्य नमस्कार करते करते आप उज्जयी प्राणायाम प्राणायाम करिए, करिए, तो आई वॉज वंडरिंग वेदर इट्स द राइट थिंग टू डू और नॉट। यस यू कैन डू एब्सोल्युटली ठीक ओके। या
ओनली थिंग यू हैव टू पे अटेंशन टू इज कहाँ सांस लेनी है, कहाँ सांस छोड़नी है. कहाँ सांस लेनी है, कहाँ सांस छोड़नी है, इसका ध्यान रखना. ठीक If you can manage that, then definitely you can do. Okay, I think we'll have an asana session and we will do all in those asanas. We will do Ujjayi Pranayam. And we will see. We'll all be over energized. हाँ, so Ujjayi Pranayam से दो चीजें होती है जिन्हें एनर्जी नहीं मिलती है, तो Ujjayi Pranayam से एनर्जी मिल जाती है, नंबर वन. और जिन्हें जैसे इंसोम्निया है, जिन्हें नींद नहीं आती है, तो सोने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको नाभि में घी लगाना है, नाक में घी लगाना है, और Ujjayi प्राणायाम कर सकते हैं आप. तो त्राटक करते करते आप Ujjayi प्राणायाम प्रैक्टिस कीजिए. But त्राटक then one will get extra active and No. will we When get you do sleep then? long Ujjayi breath and long Ujjayi, I mean you leave, you will become very calm. Achha. You definitely should do the one which I have said, जिसमें आप अपनी राइट नाड़ी बंद करेंगे और लेफ्ट बंद नाड़ी करके सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे. वो तो बेस्ट है. ओके okay? वो आप कर सकते हो, लेकिन उसका एक और ये ऑल्टरनेटिव है. ओके जिसमें आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, Ujjayi प्राणायाम इज वेरी गुड फॉर दोज हु स्नोर. सो जो स्नोरिंग करते हैं उनके लिए Ujjayi प्राणायाम रोज प्रैक्टिस करना इज अ मस्ट. देर इज नो इफ्स एंड बट्स. ओके, सो Ujjayi प्राणायाम फॉर स्नोरिंग ऑल्सो इज वेरी गुड. ठीक है, अच्छा अभी Ujjayi प्राणायाम में एक और अगर आप इसमें एडिशन करोगे तो कैसे करोगे, इसमें आप बंध लगाओगे. ओके, जलबंधा. ठीक है, जलबंधा सबको आता है? नहीं या सो नहीं वी आर सपोज टू डू द बंधा क्लास, सो टुडे आई विल शो यू द जलबंधा. ओके, जलबंधा कैसे होता है? इट इज योर थ्रोट, यहां पर हम सांस को रोकते हैं. ओके, तो उसे रोकते कैसे हैं? आपका जो चिन है, ओके, उसको क्या करेंगे हम, सपोज आप यहां उंगली रखिए और इस चिन को आप क्या करेंगे, पीछे सरकाएंगे अपने, ऐसे ऐसे पीछे. सो अभी ऐसा है नॉर्मल, आप उसको क्या करोगे, पीछे सरकाओ. सो इफ इट इज, दिस इज नॉर्मल, अभी हम क्या करेंगे, यस लाइक दिस. और ये करके आप क्या करोगे, चिन लॉक करोगे. चिन लॉक को कैसे करते हैं, पे अटेंशन हियर, आई एम नॉट डूइंग दिस, ये मैं नहीं कर रही हूं, मेरा गला नीचे चला गया है, ये नहीं कर रही हूं मैं, ऐसे नीचे नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ चिन लॉक कर रही हूं. चिन लॉक कैसे होगा, ये है चिन लॉक. कैन यू मेक अ डिफरेंस, दोनों करके देखिए, पीछे करिए ऐसे करिए और पीछे करिए ऐसे करिए, दोनों करके देखिए, किसी को फर्क पड़ रहा है क्या, किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा. नहीं आया. नहीं आया, सो नाउ वी विल डू इट अगेन. ओके, सो सपोज एंड यूज योर फिंगर फॉर नाउ. नाउ योर बॉडी इज स्ट्रेट, योर नेक इज इन लाइन. हम क्या कर रहे हैं, यहाँ उंगली रख रहे हैं, अब हम चिन को पीछे कर रहे हैं. पीछे किया सबने, ओके okay, अब इसी चिन को हमें नीचे करना है, उंगली से आपने क्या किया, इसी चिन को पीछे किया और फिर नीचे किया, हुआ? यस यस,
सो पीछे किया और ऐसे किया। अब आप सोचो, अगर आप पीछे कर रहे हो और ऐसे कर रहे हो, वो भी करो, पीछे करो और ऐसे करो, यानी कि चिन टू चेस्ट, इसे कहते हैं चिन टू चेस्ट, वो करिए सज्जन, चिन टू चेस्ट। सबने किया। अब नाउ अगेन डू चिन बैक एंड लॉक। नाउ कुड यू फाइंड द डिफरेंस? उसमें गले पे प्रेशर आ रहा है, इसमें गले पे प्रेशर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें गले का कोई संबंध नहीं है। आपका गला नीचे नहीं जाना चाहिए, सो सिर्फ चिन हिलेगा, चिन यानी यहां लॉक हो जाएगा सांस, और वो जो चिन टू चेस्ट है उसमें कैसे होगा, ऐसे और ऐसे, तो आपका नेक नीचे चला गया। यस यस उर्मिला आंटी, अभी लॉक हुआ आपका चिन, सांस रुकी है उधर। हाँ वेरी गुड। और कौन कर रहा है? उर्मिला मधुलिका, यू गॉट इट नाउ? राज, वेद, यस, या सो दिस इज द डिफरेंस व्हेन यू पुश योर चिन बैक एंड लॉक इट। ओके, दिस इज जलबंधा। तो हम कैसे करते हैं, कोई भी सांस लेते हैं ना, चाहे वो नाक से हो या अगर हम उज्जयी कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, तो इस तरह से उसको होल्ड करेंगे हम सांस को, और जब छोड़ते हैं तो हम कैसे छोड़ेंगे, फिर से चिन को ऊपर लेंगे, वापस जगह पे लाएंगे, फिर छोड़ेंगे। ओके, पर अगर आप अगर ऐसे करते थे तो आपको तकलीफ होगी, आप नहीं कर पाएंगे। ओके, ये सिर्फ जलबंध है, दिस इज वन। देर इज पेट, दैट इज उद्यान बंध, फिर मूल बंध, लेकिन अभी फिलहाल आज हम जल बंध कर रहे हैं। डिड एवरीबडी गेट जलबंध? गुणवंती सेड यस, राज सेड यस, मधुलिका, ओके, उर्मिला आंटी, माया, वेद, एवरीबडी गॉट इट? Not very sure still. Actually, the chin पीछे कैसे लेते हैं? You're pushing your chin. You're pushing your chin behind, like this. ये अंकल को देने का नीचे। Behind माने नीचे? नहीं, अभी हम क्या कर रहे हैं? चिन को पहले हम पीछे सरका रहे हैं। ये मेरा normal posture है। अभी मैं क्या कर रही हूँ? उसको पीछे सरका रही हूँ, ऐसे। Only chin. This is normal. Okay. Now just push your chin back. Okay. And now just put it down. When you put it down, you will see here your air is blocked. Yes. That is what is Jalabandha. Okay. Okay. Got it. So you push it back. And then put the chin down.
बेसिकली यू लॉक्ड योर चिन ओके विथ योर थ्रोट. इफ यू डू लाइक दिस यू पुट योर चिन टू योर चेस्ट यस देन यू विल नॉट बी एबल टू डू द बंधा. हाँ लॉक नहीं होता है फिर. वो लॉक नहीं होता है, वो सफोकेशन होता है. ओके तो वो नहीं हो पाता है. तो सही तरीके से लंबे लंबे समय के लिए हमको जब बाद में प्रैक्टिस करनी पड़ती है विद ऑल द थ्री दैट इज द महामुद्रा, जहां हम मूल बंधा, उद्यान बंधा, जल बंधा करते हैं ना, तो उसके लिए फिर आपको ये सही मायने में करना बहुत जरूरी है. ओके उसमें कैसे होगा, ऐसे होगा. सो ये लंबे समय तक रखने के लिए आपको ये सही मायने से करना चाहिए. ओके तो कैसे करेंगे सबजन, वापस चिन बैक एंड डाउन. लिटिल खड्डा विल बी देयर. ओके दिस इज जलबंधा. तो अब उज्जयी प्राणायाम में आपने ये एक वेरिएशन सीख लिया. इसमें कैसे होता है, सांस लेंगे फिर उसको पकड़ेंगे, जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करेंगे, फिर धीरे से चिन ऊपर करके उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे. आपको पता, आपको अचानक से लगेगा जैसे आपको कोई एक ऑक्सीजन शॉट दे दिया है. आई डोंट नो इफ यू फील लाइक दैट, आई फील लाइक दैट कि एकदम से ना कोई ऑक्सीजन का शॉट दे दिया, छोटा सा. हर बार हम बंधा अप्लाई करते हैं और फिर वापस सांस लेते हैं तो यू गेट अ शॉट ऑफ ऑक्सीजन शॉट. Anybody felt like that? Okay. Gunvanti felt like that. So like that you will feel when you do Ujjayi Pranayam with a bandha. So if you want to start, what you will do? With mouth open. Oh, sorry. So from your throat you will take breath and you will let go from your mouth. Ye sirf shuruaat ke liye hai, as a starter. एक बार आपको आदत हो गई है, आपको क्या करना है, सिर्फ मुंह बंद करना है. मुंह बंद करेंगे तो अपने आप फिर आप अपने गले से सांस लेंगे. सो ब्रेथ इन ब्रेथ आउट ओनली फ्रॉम द थ्रोट. ओके फिर आपको जब ये अच्छे से आप करीबन 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं तो हम उसको बढ़ाएंगे और उसको क्या करेंगे, बंद के साथ करेंगे. सो बंद के साथ जब हम करते हैं तो कैसे करेंगे, सांस लेंगे okay? तो हम बंद के साथ सांस लेंगे, वहां जितना हो सके उतना सांस को पकड़ेंगे और फिर धीमी धीमी आप अपनी सांस को छोड़ सकते हैं. दिस इज योर उज्जयी प्राणायाम का वेरिएशन. गुणवंती आपका म्यूट पे है. एक बात पूछनी थी मैम, वो ज्यादा देर नहीं बैठ पाती हूँ, पीठ पीछे पीठ दुखनी आती है मुझे, उसके लिए क्या करूं मैडम? तो आप जब बैठते हैं तो आप क्या करेंगे, आपके बटक्स के नीचे एक छोटा पतला सा तकिया या पतला सा सपोर्ट रखेंगे. अच्छा, आपके बम्स के नीचे. हाँ ज्यादा मोटा मत रखिए और पूरे बम्स को उसके ऊपर मत बिठाइए, सिर्फ पीछे थोड़ा सा. हाँ सपोर्ट के लिए वहां पर आप एक छोटा सा पतला सा तकिया या पतला सा सपोर्ट दे सकते हो.
ओके ओके आप करिए, इससे आपको फर्क पड़ेगा। तो अगर हम वज्रासन में बैठते हैं और वज्रासन में जब बैठते हैं तो आपको अगर दुखता है वज्रासन में, तब वहां पर भी आपको एक पतला सा छोटा सा तकिया या कुछ आपको सपोर्ट लगा देना चाहिए, तो फिर आप वज्रासन में बैठ पाएंगे। ओके सो दिस इज वन। ओके अब उज्जय प्राणायाम में और भी दो तीन वेरिएशंस आप कर सकते हो, ठीक है? ये और ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें दो तीन और ज्यादा वेरिएशन कर सकते हैं। दिस इज टू ओपन अप योर प्राणस, और ज्यादा प्राण को खोलने के लिए, और ज्यादा उज्जय प्राणायाम को आपके मदद के लिए ये होता है। जिसमें हम कैसे करते हैं, सपोज हम इस तरह से बैठते हैं और इसमें उज्जय प्राणायाम करते हैं, दिस इज योर चेस्ट ओपनिंग, अनदर वन इज दिस, सो योर आर्म्स विल बी बिहाइंड, पूरी तरह से सीधा, और फिर इसमें उज्जय करेंगे। तो ये मैं चाहूंगी कि अभी के लिए होल्ड करेंगे, पहले आप जो मैंने बताया है पहले उसे प्रैक्टिस कीजिए, बंद प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप सब अच्छे से उसे कर पाएंगे तो फिर हम इसके लिए और आगे बढ़ेंगे, और आप फिर इस ये भी मैं आपको बता पाऊंगी अच्छे से। ओके ओके अब ये है एक दूसरी चीज जो आप अपने थायराइड के लिए कर सकते हैं, वो है एक्यूप्रेशर। सो एक्यूप्रेशर में हम क्या करेंगे, आपका ये जो पॉइंट है, ये थंब के नीचे का ये पूरा, ये थायराइड पॉइंट है, ठीक है? ये तो हम क्या करते हैं, उसको इस तरह से हम प्रेस करेंगे, ऐसे 1 मिनट ऑन दिस साइड, फिर शिफ्ट, और फिर यहां पर 1 मिनट ऑन दिस साइड, अच्छे से प्रेशर देते हुए। सो आपका जो थंब है वो ऐसे प्रेशर देगा उसको, ओके? और आप फिर उसको ऐसे पॉइंट भी दे सकते इस तरह, वहां पर प्रेस करिए 20 सेकेंड्स, फिर छोड़ दीजिए, फिर प्रेस कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर छोड़ दीजिए, ऐसे। ओके फिर हम करेंगे। एक्यूप्रेशर का रिंग भी आता है, तो अगर आप एक्यूप्रेशर का रिंग लाएंगे तो हम क्या करेंगे, वो रिंग को इसमें डालेंगे और फिर उससे भी हम इस तरह से वो रिंग को हम घुमा सकते हैं। अगर आपके पास रिंग नहीं है तो आप उंगली से भी इस तरह से आप कर सकते हैं, ओके? ये आपके पूरे ग्लैंड को बेसिकली एक्टिवेट करता है और साथ साथ में बैलेंसिंग के लिए भी हेल्प करता है। ये रोज आपको करना चाहिए और कम से कम 5-5 मिनट्स तो मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन तो आप कभी भी करिए, बैठे बैठे करिए, आप अगर 1 मिनट 2 मिनट कर रहे हैं फिर वापस आप थोड़ी देर बाद करिए, ये भी वही चीज है, ये आप कभी भी कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो। ओके सो दिस इज द एक्यूप्रेशर पॉइंट। उर्मिला जी आप म्यूट पे हैं। So this is one acupressure point for thyroid. मतलब अपने को thyroid नहीं है तो भी करना है? Thyroid नहीं है तो भी इसकी जरूरत नहीं है फिर, personally thyroid की गोली अगर आप नहीं ले रहे हैं या thyroid नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको स्ट्रेस रहता है, कोई चीज के लिए आप स्ट्रेस्ड हो, नंबर वन, कोई चीज की वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैं जो बोलना चाहती हूँ वो नहीं बोल पा रही हूँ, तो कोई उसके वजह से स्ट्रेस है, तो भी आप ये कर सकते हो। ओके
तो भी आप ये पॉइंट दे सकते हो। दूसरा दूसरा है और तीसरा सॉरी तीसरा है मुद्रा। सो थायराइड के लिए मुद्रा कौन सी अच्छी होगी? तो सबसे पहली मुद्रा है शंख मुद्रा। तो शंख मुद्रा हम कैसे करते हैं, आपका जो थंब है वो ऐसे रखेंगे, फोल्ड करेंगे सारी उंगलियां, और फिर ये जो उंगलियां हैं इसको आपके थंब पे लगाएंगे तो शंख बन जाएगा। ओके, तो ये शंख मुद्रा थायराइड के लिए अच्छी है। तो इस तरह से आप उसको होल्ड करके रख सकते हो, और फिर थोड़ी देर बाद दूसरा अंगूठा इस तरह से लेना है, हाथों को इस तरह से, और ये शंख मुद्रा हो गई। तो ये शंख मुद्रा आप कर सकते हैं, रोज करना है, 10-10 मिनट दोनों हाथों में करना चाहिए। तो आप उसको पकड़ के रख सकते हो, टीवी देख रहे हो तो भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को इस तरह से भी कर सकते हो। ओके, जब आप एक्यूप्रेशर पॉइंट देते हो तो आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सरसों का तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, बादाम का तेल ले सकते हैं, कोई भी इस तरह का तेल आप लेकर आप एक्यूप्रेशर पॉइंट दे सकते हैं। ये एक है। और दूसरी एक मुद्रा है वो है शून्य मुद्रा। सो जो अपनी स्काई फिंगर होती है, बड़ी फिंगर, उसको हमें फोल्ड करना है इस तरह से, और फिर थंब को ऊपर से डालना है, प्रेस करना है। ये मुद्रा भी तो इस तरह से, ये जो थंब है ये यहाँ आएगा, ये मुद्रा भी आपके एक्यूप्रेशर को लिए, आपके थायराइड के लिए अच्छी है। तो इस मुद्रा में भी आप बैठ सकते हैं। यस गुणवंती, ठीक है। जो बड़ी उंगली है उसे फोल्ड करना है, और ये जो थंब है यहाँ पर लगाना है, और थंब को ऊपर से उसको प्रेस करना है। बड़ी उंगली थंब के उसको वहां दबाया और फिर प्रेस किया, शून्य मुद्रा। ये अपने थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट रखती है, एक्टिवेट करती है। ओके, सो ये मुद्रा भी आप आराम से कर सकते हो। कोई भी मुद्रा हम करते हैं तो 10-10 मिनट 10-10 मिनट इस तरह से हमें कम से कम 20-30 मिनट दिन में करना चाहिए, ताकि उससे आपका एक्टिवेशन हो। थायराइड के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज ये भी है कि आप पानी कौन सा पीते हो, अल्कलाइन पानी, अल्कलाइन फूड, ये बहुत जरूरी होता है इन थायराइड। अल्कलाइन पानी, अल्कलाइन फूड, दोनों ही चीजें थायराइड को इफेक्ट करती है। सो ये हमेशा आप याद रखिए। अच्छा, अगर आप नेचुरोपैथी फॉलो करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने थ्रोट पे हम या तो यूरिन पट्टी या पानी की पट्टी लगाएंगे। ओके, एक गले पे लगाएंगे, एक सर पे लगाएंगे, पट्टी, ठंडी पट्टी, यूरिन पट्टी या पानी की पट्टी, और एक पट्टी हम पेट पे लगाएंगे। तो इस तरह से तीन पट्टी लगाएंगे, एक पेट पे, एक गले पे, एक सर पे। ये पट्टी लगा के आप एक्यूप्रेशर दे सकते हो, आप मुद्रा में बैठ सकते हो। ओके, और ये पट्टी को लगा के छोड़ दीजिए, आप धूप में बैठ सकते हो, इससे भी आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिव होता है। ओके, बिकॉज ऑफ दैट, सो वो भी हम एक चीज कर सकते हैं अपने थायराइड ग्लैंड के लिए। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थायराइड के लिए, नींद बहुत जरूरी है, अच्छी नींद, अच्छा एक्सरसाइज, और खास करके नो स्ट्रेस। ये बोलना बहुत आसान होता है, आई नो सबको होता है, लेकिन कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि वी शुड नॉट टेक मच स्ट्रेस। योग आसन्स में जो थायराइड के लिए काम बहुत आते हैं वो है फिश पोज, ओके, मकर आसन, फिर उसके साथ साथ सर्वांग आसन भी बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर कीजिए। हम एक स्पेशल सेशन रखेंगे, मुझे लगता है स्पेशली सिर्फ तो आसनास है वो दिखाने के लिए। ओके, फिलहाल अगर किसी को कोई डाउट है तो आप जरूर पहले पूछ सकते हैं।
मुझे आंखों के बारे में पूछना था निपुर। मैंने अभी 6 महीने पहले मोतियाबिंदु का ऑपरेशन किया और हाँ लेंस भी लगाए हैं, तो हाँ मुझे थोड़ी सी मतलब आंखों में गिल्लापना रहता है, कभी कभी इचिंग जैसे होता है। तो मैं ये यूरिन का मैंने सुना था कि काजल के जैसे डाल सकते हैं, तो डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैं रोज आई वॉश करती हूँ यूरिन से। आई वॉश आता है ना जी? हाँ है हाँ मेरे पास है हाँ तो आप क्या मेरे पास। करेंगे, उसमें यूरिन डालिए और उससे आंखों को धोइए अच्छे से यूरिन से। लेकिन अभी जैसे मैंने लेंस बिठाए हैं तो चलेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेंस छह महीना 6 महीना हुआ लेंस बिठाए हैं। आप निकालते हो क्या लेंस? नहीं, मोतियाबिंदु का को फिक्स कर दिए ना उन्होंने, है ना, तो फिर वो मोतियाबिंदु का ऑपरेशन किया था ना उन्होंने, तो वो फिक्स कर दिया है। हाँ तो आप यूरिन से रोज अपनी आंखों को धोइए। तो इससे फर्क पड़ेगा इचिंग में और जो गीला गीलापन रहता आप ही मुझे बताइएगा, आप है। एक हफ्ता करिए, फिर अगले हफ्ते मुझे बताइए। ठीक आप है, एक हफ्ता पूरा कीजिए और एक दो दिन आप करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मतलब कुछ हार्म नहीं होएगा ना इससे आंखों में? साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, इतना आपको कह सकती हूँ कि ठीक साइड है, इफेक्ट कुछ नहीं होगा। कितना फायदा होगा ये आप मुझे बताइएगा कि आपको फायदा कितना हुआ, चाहे ठीक है, 5% हुआ या 50% हुआ, ठीक है ना, ये आप बताइए। ओके सो ये सारी चीजें थी थायराइड के लिए। एंड आई थिंक एक हम सेशन करेंगे स्पेशली सारे आसनास के लिए ताकि आप सब उसको देख सकें। एक मैं आपको अभी ही बताऊंगी जो मैं आपको कह रही थी कि उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं उसमें। तो उसमें कैसे करते हैं, इस तरह से, ठीक है, पीछे लेटेंगे अच्छे से और ऐसे ऐसे, सो आपका गला ऊपर होगा और इसमें आप उज्जयी प्राणायाम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको तकलीफ है और आप बैठ नहीं पा रहे हैं, या आपको तकलीफ है और आपको नहीं जम रहा है, तो हम इस तरह से मकर आसन में करके उज्जयी प्राणायाम करते हैं। जितना हो सके उतना अपने चेहरे को ऊपर रखिए, थोड़ा हाथ का सपोर्ट दीजिए और फिर उज्जयी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसमें बंधा भी आप आराम से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आप जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर कोई बीमार भी होता है तो इस तरह से लेट के आराम से उज्जयी प्राणायाम कर सकता है। ध्यान में रखिएगा ये शोल्डर्स को ऐसे नहीं करने, नीचे जब आप करेंगे तो ऐसे नहीं। काफी जनों को प्रॉब्लम क्या होती है, वो जब ये करते हैं इस तरह से, वो नीचे ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है। ओके, ऐसे रखना है बॉडी को एकदम, और फिर हाथों को जहां तक हो सके ऊपर। आप बिना सपोर्ट के रख सकते हो इस तरह से, तो ऐसे भी रख सकते हो। ठीक और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। सो इस तरह से आप यह आसना इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर उज्जयी प्राणायाम। ओके, और सर्वांग आसन, हल आसन, मकरासन मकर आसन, फिर फिश पोज, ये सारे थायराइड के लिए बहुत अच्छे हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? फर्स्ट यूरिन लेना है ना फर्स्ट? फर्स्ट यूरिन, ओके, भूल गए कुछ भी हुआ तो भी आप दूसरा ले लीजिएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट यूरिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए हम फर्स्ट यूरिन बोलते हैं, राइट? ओके ओके, तो टुडे वाज ऑल अबाउट थायराइड, ऑल अबाउट अपना विशुद्धि। आपको मैंने ये भी बताया है कि
किस तरह से आप ठंडी पट्टी लगाकर उसे एक्टिव कर सकते हैं। गरम नहीं लगाते हम, ठंडी पट्टी लगाते हैं। सो उसके लिए आप अपना, आप मट्टी लेप भी कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छी मट्टी है तो मट्टी लेप भी लगा के उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है और पट्टी है तो ठंडी पट्टी। कभी भी आपको ऐसा लग रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, गर्मास हो रही है, हीट फील हो रहा है, ठंडी पट्टी लगाइए यहाँ पर पेट पे। और आप चाहें तो इनफैक्ट आपके पैर भी आप नमक के पानी में डाल के छोड़ सकते हैं, तो आपकी कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो भी खींच के निकल जाएगी और आपको ठंडक महसूस होगी। ओके। अच्छा नीपुर, मैं एक संदेश देना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। संडे संडे को मैंने ओजस लाइफ किया था ना, तो हाँ संडे को उसका फ्री लेक्चर है पूना में और खाना भी है। वो ओके। मतलब बहुत बेस्ट है, मतलब बिगर जैसे आपका है ना फ्री मेडिसिन लाइफ सूर्य के ऊपर जो आप बताते हो, वो रो फूड के